देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये इसका रेसिस्टेंस है ना, और ये इसका सपोर्ट है। तो रेसिस्टेंस नीचे गिर रहा है, रेसिस्टेंस नीचे गिर रहा है, और इवन यहाँ पे फिर वापस रेसिस्टेंस के पास नीचे जाके वहां जाके ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये तो कंफर्म है ना यहाँ से क्यों गिर रहा है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है कि किस लिए गिर रहा है। ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं, एक अच्छा खासा रैली आ चुका था मॉर्निंग में मार्केट में। तो अगर डायरेक्ट रैली आया तो क्या इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट ये रेंज बना ही दिया है कुछ इस तरीका से, तो इस रेंज के नीचे अगर कैंडल मिल रहा है तो अपने एंट्री यहाँ पे बन रहा है। हम लोग यहाँ पे पी खरीद सकते थे ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के कुछ इस तरीका से, एक स्कल्पिंग ट्रेड यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से गिरना स्टार्ट हो चुका है, अब अगर ये गिरता है तो टारगेट हम लोग कहाँ तक लेंगे? फर्स्ट टारगेट जो सपोर्ट है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट है ना, सपोर्ट तक का अपना क्या लेंगे? फर्स्ट टारगेट यहाँ तक तो कंफर्म टारगेट हम लोग लेंगे। सेकंड टारगेट फिर कहाँ पे? ये सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट अपना क्या बन जा रहा है? सेकंड टारगेट यहाँ तक। अगर मार्केट वहाँ भी नहीं रुका तो फिर थर्ड टारगेट, तो ये सपोर्ट अपना पड़ा ही हुआ है, यहाँ तक हम लोग पूरा ट्रेड को ट्रायल कर सकते हैं। अब ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड को ट्रायल करना पड़ेगा हम लोगों को। इवन अब यहाँ से अगर गिर रहा है ना तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है ना, हम लोग ऐसा नहीं है कि रिवर्सल नहीं आ सकता, रिवर्सल भी आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अगर रिवर्सल आना होगा ना तो याद रहे मार्केट, ये जो ट्रेड लाइन हम लोग ड्रॉ किए, मार्केट यहाँ तक आएगा धीरे धीरे, फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ये एक पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ तक नहीं रुक के यहाँ पे अगर यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है तो बुक कर लीजिए अपना प्रॉफिट। या फिर अगर रेंज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है ना, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट, तो यानी कि ब्रेकडाउन आने वाला है। क्लियर हुआ? अगर ये सपोर्ट टूट गया, अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर मार्केट यहाँ तक गिर जाएगा।